बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू परिवार आरजेडी के संग मिलकर के संयुक्त रूप से बिहार में सरकार चला रहे हैं, ये सर्वविदित है। आपको बता दें कि स्वयं को यादव समाज का नेता कहने वाले जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द करने लगे, हिंदू त्योहारों की छुट्टी घटाना और मुस्लिम त्योहारों की छुट्टी बढ़ाना तुष्टिकरण ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है यह। ये ऑर्डर वापस लेना चाहिए और बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी का आरोप है बिहार सरकार पे। आइए विस्तार से चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं और जानते हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। बिहार में नीतीश सरकार का कहना है कि जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं होगी, श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं होगी, रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी, शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होगी, लेकिन ईद की 3 दिन की छुट्टी होगी। और कुल मिला के जो सारे त्योहारों का ऑर्डर निकाला है उसमें हिंदू त्योहारों की 9 दिन की छुट्टी और मुस्लिम त्योहारों की 10 दिन की छुट्टी। तो बिहार में ये किस प्रकार का, किस चश्मे से बिहार को देख रहे हैं? और साथ में ऑर्डर में ये कहना कि जो उर्दू स्कूल है या मुस्लिम बहुल इलाकों में जो स्कूल है वहां पर जुम्मे के दिन भी स्कूल बंद हो सकते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, और ये पूरी राजनीति उस बिहार का अपमान है जिस बिहार ने कभी भी मुस्लिम आक्रांताओं के सामने घुटने नहीं टेके, हमेशा लड़े और जीते। लेकिन आज नीतीश कुमार और जो ये लालू यादव जी का परिवार है, ये मिलके बिहार को तुष्टिकरण और वोट बैंक के एक ऐसे अंधेरे में धकेलना चाहता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं इस बात पर हैरान हूं कि स्वयं को यादव समाज का प्रतिनिधि कहने वाले जन्माष्टमी के विरोधी कैसे हो गए, जन्माष्टमी की छुट्टी के खिलाफ कैसे हो गए। ये ऑर्डर वापस होना चाहिए और इस ऑर्डर को जिसने भी दिया है, नीतीश सरकार को, नीतीश जी को माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार के हिंदू विरोधी और बिहार के मूल स्वभाव के विपरीत ऑर्डर देने के लिए।